अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर मोहम्मद वकास। और आज के वीडियो लेसन में मैं आपको सिखाऊंगा 67 इंग्लिश के वो अल्फाज जो आप में से हर एक स्टूडेंट्स लाजमी सीखना चाहेगा। दोस्तों, इंग्लिश के ये अल्फाज आप में से हर एक स्टूडेंट्स अपनी डेली इंग्लिश कन्वर्सेशन में लाजमी इस्तेमाल करना चाहेगा। अगर आप इन अल्फाजों को अपनी डेली रूटीन में इंग्लिश बोलचाल करते वक्त इस्तेमाल करेंगे तो इंग्लिश बोलते वक्त आप काफी अच्छे लगेंगे। दोस्तों, आपको वर्ड्स के मीनिंग के साथ साथ ये भी सिखाएंगे कि आपने इन अल्फाजों को सेंटेंसेस में कैसे यूज करना है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि हमें ये भी सीखना है कि वर्ड्स को हम बोलते वक्त सेंटेंसेस में कैसे बआसानी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, इस सबक के नोट्स आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक के जरिए बआसानी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे साथ लगातार इंग्लिश सीखते रहने के लिए हमारे चैनल इंग्लिश विद वकास को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चले फ्रेंड्स, हमारे आज के लेसन का आगाज करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमारे पास वर्ड आ जाता है इमिटेट। इमिटेट का माना होता है नकल करना। इमिटेट, ही इज इमिटेटिंग माय वर्क, वो मेरे काम की नकल कर रहा है। इमिटेट, इमिटेट इसको नहीं बोलना। पैथेटिक, इस वर्ड को बोलना कैसे है? पैथेटिक, इसको आपने पैथेटिक नहीं बोलना। पैथेटिक, काबिले अफसोस। She did a pathetic job. उसने काबिले अफसोस काम किया। Proceed, proceed. कैसे बोलना है? Proceed, आगे बढ़ना। You can now proceed, please. For example, अगर आपने किसी को कहा कि अपना इंट्रोडक्शन करवाए, वो कहता है sure, why not? तो आगे से आप कहेंगे प्लीज proceed, आगे बढ़े। इस वर्ड को आपने बोलना है ruin। इसको आपने rain नहीं बोलना। Rain का माना होता है बारिश होना। Ruin. Ruin. You have ruined my plan. तुमने मेरा मंसूबा तबाह कर दिया। या you have ruined my life. तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। Curious. Curious. पुरतजस्सुस। We are curious to know the results. Curious का माना क्या होता है? जब आपको किसी चीज के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आपको बड़ा इंटरेस्ट होता है, ठीक है, कि आप हर हाल में जानना चाहते हैं। That situation is called curiosity. पुरतजस्सुस को इंग्लिश में क्यूरियस कहते हैं। वी आर क्यूरियस टू नो योर रिजल्ट, हमें आपके जो नतीजा आना उसके बारे में जानने का बड़ा तजस्सुस है। Extensive, extensive, वसी या कुशादा। There is an extensive room, there is an extensive room. Forbid, मना करना या रोकना। Forbid, we forbid him to smoke, we forbid him to smoke. Violence, violence, तशद्दुद। Violence is totally unacceptable. तशद्दुद मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल है। Courage, इसको courage नहीं बोलना। Courage, courage, हौसला। Do you have the courage to go there? क्या वहां जाने का आप में हौसला है? Courage. Evident का माना होता है वाजे। Evident, evident नहीं बोलना। Evident. It was evident that she was unhappy. ये वाज़े था कि वो खुश नहीं थी। Accurate, इसको accurate नहीं बोलना। Accurate, accurate, ठीक या दुरुस्त। He gave an accurate reply. उसने ठीक जवाब दिया। Fortunate, fortunate, fortune नहीं कहना। Fortunate, खुशकिस्मत। He was fortunate to get job. He was fortunate to get job. Desperate, desperate, मायूस कुन या बेताब। I am desperate to see my friend. मैं अपने दोस्त को देखने के लिए बेताब हूँ। Desperate. Sandpaper, sandpaper, rub the surface with sandpaper before painting. Sandpaper का माना क्या होता है? रेग माव। Rub the surface with sandpaper before painting. Verily. Verily का माना होता है वाकई। Verily, he does not want to go. वाकई वो नहीं जाना चाहता। Demerit, demerit का माना होता है खामी। TV has its merits and demerits. TV की खामियां भी होती हैं और खूबियां भी होती हैं। Demerit. Besmirch, besmirch, कैसे? Besmirch, गंदा करना। His shirt was besmirched with blood. His shirt was besmirched with blood. Despair,
डिस्पेयर, डिस्पेयर मायूसी। हर फेस वॉज फिल्ड विथ डिस्पेयर, उसका चेहरा मायूसी के साथ भरा हुआ था। मेरली का माना होता है महज, मेरली। ही इज मेरली माई गुड फ्रेंड, वो सिर्फ मेरा एक अच्छा दोस्त है। प्रेडिकेट का माना होता है पेश गोई करना, पेशन गोई करना, ठीक है। प्रेडिकेट, ही प्रेडिकेटेड अबाउट द रेन, उसने रेन के बारे में पेशन गोई की। एडू का माना होता है जहमत करना, एडू, एडू। देर इज नो नीड टू एडू, जहमत करने की जरूरत नहीं है। कमिटमेंट, कमिटमेंट मुआहिदा। वी मेड अ कमिटमेंट विद हिम, हमने उसके साथ एक मुआहिदा किया। इन डिस्टिंक्ट गैर वाजे, ही गेव एन इन डिस्टिंक्ट स्पीच, उसने गैर वाजे ना समझ आने वाली तकरीर की। इसेंशियल, इसेंशियल जरूरी या अहम। इट इज इसेंशियल टू हैव सी एन आई सी, इट इज इसेंशियल टू हैव सी एन आई सी। डिसआर्म, डिसआर्म हथियार छीन लेना। द रेबल्स वर फोर्स्ड टू डिसआर्म, डिसआर्म। इलिमिनेट का माना होता है खारिज करना, किसी को निकाल देना। इलिमिनेट, यू मस्ट इलिमिनेट एन अननोन क्वांटिटी, क्वांटिटी। यू मस्ट इलिमिनेट एन अननोन क्वांटिटी। विस्पर, सरगोशी करना। विस्पर, व्हाई इज शी विस्परिंग हियर, वो यहां सरगोशी क्यों कर रही है। रैप, तह लगाना। कैन यू रैप द बुक इन पेपर, कैन यू रैप द बुक इन पेपर। ऑप्टिमिस्ट पुरुमी, ऑप्टिमिस्ट। वी शुड बी क्वाइट ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट। इंटेग्रिटी दयानतदारी या अजमत। इंटेग्रिटी, द बॉस वॉज इंप्रेस्ड बाई हिज इंटेग्रिटी। वेज, वेज इसको आपने वैग नहीं बोलना, वेज। ही गेव अ वेज आंसर टू माई क्वेश्चन, मुबहम या गैर वाजे जो आपको समझ ना आए। उसने मेरे सवाल का गैर वाजे जवाब दिया जो कि समझ भी नहीं आया मुझे, ठीक है। सवालों का माना होता है हड़प कर जाना, किसी भी चीज को हड़प कर जाना, किसी की गलत बात को, सख्त बात को हड़प कर जाना या किसी चीज को हड़प कर जाना, ठीक है। ही स्वालोड द एप्पल, उसने जो सेब है वो पूरा हड़प कर लिया। स्वालो। यल का माना होता है चिल्लाना। यल, व्हाई इज ही यलिंग एट मी, वो मुझ पर क्यों चिल्ला रहा है। यल। ट्रैप, फंसाना या जाल डालना। अली पुट अ ट्रैप टू गेट मनी, अली ने पैसे लेने के लिए एक जाल फेंका या किसी को फंसाया, ठीक है। यौन का माना होता है जमाई लेना। यौन, व्हाई आर यू यॉनिंग सो मच, तुम इतनी जमाइयां क्यों ले रहे हो। सस्पेक्ट, मशकूक, मशकूक को इंग्लिश में सस्पेक्ट कहते हैं। सना वॉज फाउंड सस्पेक्ट इन थेफ्ट। च्यू का माना होता है चबाना, यू नीड टू च्यू इट वेल, इसको अच्छे से चबाओ। च्यू। रिमाइंड, याद दिलाना। काइंडली रिमाइंड मी ऑफ माई वर्क, मुझे अपने काम के बारे में याद दिलाना, किसी को याद दहानी कराने को इंग्लिश में रिमाइंड कहते हैं। क्रैप, फजूल। हिज स्टेटमेंट इज जस्ट अ क्रैप, उसकी बात बिल्कुल फजूल है। कैप्शस, कैप्शस नुक्ताचीनी करने वाले को इंग्लिश में कैप्शस कहते हैं। आसम इज सो मच कैप्शस पर्सन, आसम बहुत ज्यादा नुक्ताचीनी करने वाला इंसान है। कैप्शस। रिलाय, इसको रिले नहीं बोलना, रिलाय भरोसा करना। यू कैन नॉट रिलाय ऑन हिम नाउ, रिलाय के साथ आपने ऑन लाजमी इस्तेमाल करना है। यू कैन नॉट रिलाय ऑन हिम नाउ। सेंटिमेंट्स, सेंटीमेंट्स जज्बात। ही अंडरस्टैंड माई सेंटीमेंट्स, वो मेरे जज्बात को समझता है, ठीक है। कमेंडेबल, कमेंडेबल काबिल तारीफ। ही डिड अ कमेंडेबल वर्क, उसने काबिल तारीफ काम किया। कमेंडेबल। सूत का माना होता है तस्कीन देना या किसी को तसल्ली देना। सूत। लिसनिंग टू होली कुरान सूट्स मी, कुरान को सुनकर मुझे तस्कीन होती है, मुझे तसल्ली होती है। सूत। वैनिश का माना होता है गायब हो जाना। ही वैनिश्ड फ्रॉम द पार्टी, वो अचानक पार्टी से गायब हो गया। ही सडनली वैनिश्ड फ्रॉम द पार्टी। वैनिश या डिसअपीयर,
गायब हो जाना, फ्लैटरी चापलूसी, फ्लैटरी ही शोन फ्लैटरी टू गेट फेवर, ही शोन फ्लैटरी टू गेट फेवर, टेंडेंसी 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 रुझान या मिलान, आई हैव टेंडेंसी टूवर्ड्स मेडिकल फील्ड, टेंडेंसी टेंडेंसी, सफिशियंट सफिशियंट काफी, इट इज सफिशियंट अमाउंट ऑफ शुगर, सफिशियंट, रिफ्यूज इनकार करना, रिफ्यूज शी क्लियरली रिफ्यूज टू मैरी मी, उसने मुझसे शादी करने के लिए वासे इनकार कर दिया, इवेंचुअली इवेंचुअली आखिरकार, इवेंचुअली ही गॉट अ गुड जॉब, इवेंचुअली, डिके गलना या सड़ना, एग्स आर डिकेइंग इन द फ्रिज, एग्स आर डिके डिके, कंटेन मुश्तमिल होना, कंटेन द बैग कंटेन्स डिफरेंट फ्रूट्स, कंटेन्स मुश्तमिल होना, अपलॉड अपलॉड तारीफ करना, द टीचर अपलॉडेड द स्टूडेंट, द टीचर अपलॉड अपलॉडेड द स्टूडेंट, कन्फेस का मान होता है किसी जुर्म का इतराफ कर लेना, इतराफ करना, ही कन्फेस्ड हिज क्राइम, ही कन्फेस्ड हिज क्राइम, somehow किसी ना किसी तरह, somehow somehow I will give you money, किसी ना किस तरह मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, somehow, enthusiasm enthusiasm जोश या वलवला, his enthusiasm is amazing, enthusiasm, consequence consequence नतीजा, what will be the consequence of it, इसका नतीजा क्या निकलेगा, जैसा कि आप किसी को कहते हैं कि इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे, consequences consequences, ठीक है, priority कैसे बोलना है इस वर्ड को, priority नहीं बोलना, priority priority, फकीर my first priority is my future, priority, abhor यहां पर हम आर को थोड़ा साइलेंट रखेंगे, वाजे तौर पर इसको नहीं बोलेंगे, abhor सख्त नफरत करना, he abhors his selfish friend, he abhors abhors, superstitious 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 वहमी, why is she so superstitious, amiable दोस्ताना या friendly, amiable, Aslam is an amiable guy, amiable दोस्ताना, appease का मान होता है तसल्ली देना या खुश करना, I appeased my grieved friend, मैंने अपने दुखी दोस्त को तसल्ली दी या खुश किया, appease, candor साफ गो जो बात सीधी मुंह पे कर देता है, Asam is known to be a candor person, Asam is known to be a candor person, diligent diligent mehnti, he gets good marks because he is a diligent boy, diligent mehnti, eloquent kaise, eloquent eloquent nahi bolna, eloquent faseeh, he has eloquent accent of english, extol extol bahut zyada tareef karna, the teacher extols his student, दोस्तों आज का हमारा लास्ट वर्ड है प्रीच, इसका मान होता है तबलीग करना, प्रीच, ही इज प्रीचिंग टू पीपल, वो लोगों को तबलीग कर रहा है, ऑल राइट फ्रेंड्स इसी के साथ ही आज का हमारा लेसन ये पे मुकम्मल हुआ, दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि डेली रूटीन में आपके लिए इंग्लिश बोलचाल आसान हो जाए और आपकी ख्वाहिश है कि आप कुछ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करें जो आपकी इंग्लिश को मजीद अच्छा और इम्प्रेसिव बना दें, तो आपने इन अल्फाजों को लाजमी सीखना है, आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ, Till then, Allah Hafiz.